तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल राम राम खमागणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज का वीडियो, ऐसे तो मैंने शॉर्ट्स डाले हैं रिपब्लिक डे के, सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो आज ही पब्लिश हो जाए, क्योंकि आप सब लोगों की शिकायत भी रहती है, लेकिन मैं उस शिकायत को पॉजिटिवली लेती हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि जितनी लड़कियाँ मेरे चैनल से इंटरेक्ट है, और मैं अपने इनसाइट्स में देखती भी हूँ कि ज़्यादातर मेरे चैनल पे लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए अगर मतलब जितना मैं एक तरह से उनको समझा सकती हूँ या जितना गाइड कर सकती हूँ वो कोशिश करूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है ये एक आईडी है जिसका नाम है एनिमल्स एंड नेचर ब्यूटी, ऐसे कुछ करके आईडी है, और इसमें मोनिका जी ने मैसेज किया है। हालांकि उन्होंने पब्लिकली मैसेज किया है, इसलिए मैं उनके मैसेज पब्लिकली पढ़ रही हूँ, अदरवाइज तो मैं नहीं पढ़ती उनके मैसेज पब्लिकली। अब हुआ क्या कि आज सुबह जब मैं सो के उठी तो उनके कम से कम भी बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, और लगभग मेरा हर एक वीडियो उनका सीन किया हुआ था, और मेरे मतलब बहुत सारे वीडियोस पे उन्होंने कमेंट कर रखे थे, और वो भी लंबे लंबे कमेंट कर रखे हैं। तो मेरे को ना पढ़ के, और कल की रात पता नहीं ऐसी थी कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं थोड़ी तबीयत मेरी डाउन थी, या फिर पता नहीं किस तरह की टेंशन या जो भी है मन में चल रहा था, पर मुझे दिन रात के 4 बजे तक नींद नहीं आ रही थी। और सेम सिचुएशन मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हो रही थी जिनका नाम है मोनिका, उनके भी लगभग 4 या 5 बजे तक मेरे पास में मैसेज आ रखे थे। हालांकि वो मैंने रात को मैसेज नहीं देखे, क्योंकि रात को मेरा डेटा ऑफ था। जब मैं सुबह उठी और मैंने अपना डेटा ऑन किया तो मैंने उनके बहुत सारे मैसेज पढ़े, तो एक तरह से एक तो कनेक्टिविटी फील हुई कि कोई और लड़की है जो कि मेरे साथ में ही जाग रही है ना, मतलब कि जिसकी भी थोड़ी सी मनोस्थिति इस वक्त डगमगा रही है ना। तो मोनिका जी, सबसे पहले तो देखो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जो है ना, हर पल एक संघर्ष है। आप अभी, आपको ऐसे लग रहा है कि नौकरी लगने के बाद में ज़िंदगी में जो भी संघर्ष है वो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर नौकरी लगने के बाद में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखो, वैसे तो हर एक इंसान की ज़िंदगी संघर्ष है, हर एक इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग तरह के संघर्ष है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि लड़की होने के नाते, एक महिला के रूप में अगर हमने जन्म लिया है, तो महिला होने के नाते ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती है, और हर वक्त आती हैं। हम छोटे से हैं तभी भी आती है, हम अडल्ट एज में जाते हैं तभी भी आती है, हम नौकरी नहीं लगते हैं तभी भी आती है, जब नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और बार बार में असफलताएँ मिल रही होती है तभी भी आती है, नौकरी लगने के बाद भी आती है, शादी होती है तो भी आती है, नए परिवार में सेट होना हो तो भी आती है, और मुझे लगता है कि बुढ़ापे तक, क्योंकि एक माँ भी जब बनती है और उसके जब भी बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, और अगर बच्चों में खुद किसी बच्चे ने गलती कर दी तो हमेशा बाप यही कहता है कि तेरे बच्चे हैं देख ले, है ना। तो किस एज में हमारे सामने दिक्कतें नहीं आती हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि पुरुषों की दिक्कतें नहीं हैं, सबके अपने अपने समस्याएं हैं, लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा, हमारा समाज का ऐसा बना हुआ है माइंडसेट कि हमें थोड़े से ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। तो जितने सारे आपने मैसेज किए, मैं थोड़े से जवाब देने की भी कोशिश करूँगी, और प्लीज़ डिप्रेशन में मत जाओ यार, कि मैं आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि सच में आप यार, मतलब मैं बात करूँ आपसे पर्सनली, तो जो भी मेरे से पर्सनली बात करना चाहता है या चाहती है जो भी लड़की, तो उनको मैं हमेशा मेल आईडी देती हूँ कि मेरी मेल आईडी पे मैसेज कर दो। लेकिन आप लोग, शायद बहुत सारे लोगों को मेल आईडी यूज़ नहीं करने आती, क्योंकि बहुत सारी बातें आपकी जो होती हैं वो आप भी पब्लिक चीज़ों में शेयर नहीं कर सकते, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। और नंबर, मैं आपको भी पता है मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि भाई आईडी के पीछे कोई भी हो सकता है, लड़का भी तो हो सकता है, मुझे नहीं पता है ना कि भाई इस चीज़ के पीछे सोशल मीडिया के, आपको पता है साइड इफेक्ट भी कितने हैं। तो मैं भी अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे, भाई लड़कियों की अगर समस्या है वो मुझसे पर्सनली कुछ बात करना चाहती है, कुछ शेयर करना चाहती है, तो मैं मेल आईडी दे के रखती हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज चेक नहीं करती हूँ, आप सब लोगों की एक वो भी होती है कि मैम आप चेक क्यों नहीं करते, देखो। लेकिन यार बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैसेज रिक्वेस्ट आती है, तो नहीं मिलता मुझे इतना टाइम, मैं बहुत रेयर किसी की मैसेज रिक्वेस्ट भी देखती हूँ, क्योंकि यार मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ
मतलब एक यूट्यूबर ही नहीं हूँ, एक चैनल ही नहीं चलाती हूँ, मेरी मतलब खुद की पर्सनल लाइफ होने के साथ ही एक मतलब कि मेरी ऑफिशियल लाइफ भी है, उसमें भी बहुत सारा वर्क होता है, तो इतना नहीं टाइम मिलता। तो उसके लिए तो देखो मैं सॉरी बोलती हूँ आप सब लोगों को कि किसी दिन मैं मेरी टीम वगैरह बना लूँगी तो मैं आप लोगों को इंस्टा पे रिप्लाई किया करूँगी। फिर भी मेरी कोशिश कभी कभी मैं कर देती हूँ। देखो इनका मैसेज था कि दीदी मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ, पता नहीं क्यों आंखों में आंसू बहते रहते हैं, शायद खुशी के हों क्योंकि मैं भी ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। कल 26 जनवरी है और पिछले साल मैंने सोचा था कि 26 जनवरी मैं स्कूल में मनाऊंगी, लेकिन शायद इसी उम्मीद में मैं जी रही हूँ, है ना। फिर इन्होंने दूसरा मैसेज दूसरे वीडियो पे किया है, दीदी आप बताओ ना मैं क्या पढ़ूँ कितना पढ़ूँ। तीसरा मैसेज इन्होंने तीसरे वीडियो पे किया और इन्होंने लिखा है, दीदी मेरा नाम मोनिका है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप पढ़ाई करते थे तो आपकी भी शादी हो चुकी थी क्या मेरी तरह? फिर भी आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी क्या? आप कैसे मैनेज कर लेते थे? मुझे भी सिखाओ ना स्ट्रॉन्ग बनना। क्या आपको सभी सपोर्ट करते थे? क्या आप धनी परिवार से थे या फिर कल सब्जी कहाँ से आएगी? आपकी ऐसी हालत तो नहीं थी ना? मुझे भी लगना है, नहीं तो मुझे मर जाना है। तो क्या बोलो, देखो मोनिका जी मेरी शादी तो नहीं हुई थी नौकरी लगने से पहले, शादी तो मैंने नौकरी लगने के एक साल बाद में करी है, क्योंकि लेकिन देखो संघर्ष मेरी ज़िंदगी में भी उतने ही थे, परेशानियां मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी आई थी, है ना, और मैंने भी उनका सामना किया। आपकी तरह ही मैंने अपनी लाइफ जर्नी में बताया भी है बहुत सारी बार, मुझे भी ये लगा कि नहीं यार बस बहुत हो गया, अब नहीं लड़ा जा रहा, अब कर लो या तो शादी कर लो, मान लो घर वालों की बात, लेकिन वो लाइफ मुझे बहुत सारी लड़कियों की देखी थी मैंने, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि यार सिर्फ और सिर्फ इतने साल की पढ़ाई के बाद में एक सिंपल हाउसवाइफ बन जाऊँ। मेरे को था कि कुछ तो करना था लाइफ में, है ना, तो मेरे को वो नहीं पसंद आता, तो मेरा भी मन करता था कि यार ठीक है ना यार डूब मारो, क्या कितना पढ़े, है ना। लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हाँ देखो शादी मेरी बाद में हुई, लेकिन शादी नहीं होती है तो भी बहुत प्रेशर होते हैं बहुत ज़्यादा, कि सबसे बड़ा प्रेशर तो शादी का ही होता है। जब हमारी हर एक एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है और जब हम फेल होते हैं तो हर उस फेलियर के बाद में रिश्ते आने या जाने शुरू हो जाते हैं। हर फेलियर के बाद में घर वाले कहते हैं अब शादी कर ले, अब हम टाइम नहीं देंगे, अब हमें माफ़ कर दे, अब बस हमें मुक्ति दे दे, हम गंगा नहा लेंगे, तू शादी कर ले। ऐसी चीज़ें होती है, हर लड़की के साथ होती है, और उन चीज़ों को सहन करना और फिर लगता खुद पे थोड़ी हमें विश्वास होता है। जब हम सरकारी नौकरियों के बारे में सुनते हैं कि रोज़ पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बिक रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कैसे भरोसा दिला दें हम घर वालों को कि नहीं हम अगली वैकेंसी में तो लग ही जाएंगे। हमें खुद को ही भरोसा नहीं होता, हमें लगता है कि यार मैं इतना तो पढ़ रही हूँ, इतना सब कुछ तो कर रही हूँ, अब मतलब मैं कैसे लगूँ नौकरी, है ना, उस टाइम हमें ये लग रहा होता है। तो हम घर वालों को वो भी नहीं कर सकते कि ठीक है भाई अगली बार लग जाऊँगी, है ना, और अगली बार हम फिर दुगनी मेहनत से, कैसे जैसे उनको समझा के मैं एग्ज़ाम देती थी लेकिन फिर मैं फेल हो जाती थी, फिर वही सेम प्रेशर होता था। इसके साथ भी बहुत सारे ताने होते थे रिश्तेदारों के, दोस्तों के, आसपास के लोगों के, इतने होते थे कि अच्छा क्या उम्र हो गई, कितनी बड़ी हो गई, नहीं लगी नौकरी, क्या कर रही है, टीचर ही बन जाती, बीएडी कर लेती, एसटीसी कर लेती, बहुत सारे जब मैं आरएस की तैयारी कर रही थी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें सुननी पड़ती है ना। तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी बहुत आसान थी, बिल्कुल भी नहीं थी आसान। चेहरे से भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाता है, आंखों में खड्डे पड़ जाते हैं, जितने साल हमने पढ़ाई को दी होती है उतने साल, है ना, तो आसान तो नहीं होती। हाँ लेकिन जो इकोनॉमिक सिचुएशन आपने अपनी बयान करी मेरी उतनी ख़राब नहीं थी, मतलब हो सक मेरे पापा मतलब ठीक है, मुझे पैसों के लिए नहीं कभी इतना वो होना पड़ा, मुझे पता था कि पापा के पास में ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन इससे मैं खुद ही नहीं करती थी ज़्यादा खर्चा, ना ही कभी बहुत ज़्यादा उनसे मांगा और ना ही एक रुपया भी वेस्ट किया, एक रुपया भी नहीं। पापा हमेशा जब भी हॉस्टल कभी मिलने आते थे तो मुझे 1000 रुपये या 500 रुपये जूस के अलग से देके जाते थे कि बेटा बहुत कमज़ोर हो गई, इस जूस पीना है इस 500 रुपये का और कुछ मत करना, है ना। लेकिन नहीं हो पाता था, वो भी नहीं हो पाता, तो न जाने कितने फॉर्म भरने पड़ते थे, न जाने कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था, कितना किराया लग जाता था, हर चीज़ के पैसे घर वालों से नहीं मांगे जाते थे। एक ऐसा टाइम आता था कि जबकि छोड़ दो यार नौकरी, कितने एक दिन मांगेंगे, बाप
कितना बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, हम कितनी बड़ी उम्र के हो गए, अब तो यार प्राइवेट कमा लो, कमा तो लो, क्यों इन पे बोझ बने बैठे हो, है ना। ऐसी सिचुएशन भी होती थी, लेकिन यार सब्र किया और सब्र का परिणाम सामने आया। तो मैं सिर्फ आपको भी बोलूँगी, मुझे पता है मुनिका जी की सिचुएशन इस वक्त सही नहीं है आपकी, और आपको लगता है कि नौकरी लगने पे बहुत कुछ सही हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा सही, इकोनॉमिक वाला सब सही हो जाएगा, वो परेशानी आपको नहीं आएगी, लेकिन यार संघर्ष तो चलेंगे, फिर बच्चे कैसे मैनेज करोगे, परिवार कैसे मैनेज करोगे, वो बहुत सारी समस्याएं तो आगे भी आएंगी। तो यहीं से ये जो ठोकरें हैं जो अभी आपको मिल रही हैं या पहले मुझे मिली थी, वही तो सिखाती हैं हमें, मतलब स्ट्रोंग होना सिखाती है। तो अभी से स्ट्रोंग हो जाओ, कुछ दिन की बात है, बहुत आर्थिक तंगी चल रही है तो भी कुछ दिन और मैनेज कर लो, कोशिश करो कि इस वैकेंसी निकल जाएगी, है ना। ऐसे नहीं है कि सारे पेपर ही बिकते हैं, ऐसे नहीं है कि हर व्यक्ति भ्रष्ट है, हमारे नाम की कोई ना कोई सीट लिखी होगी, चाहे आप 4 घंटे दे रहे हो पर आप रेगुलर दे हो, चाहे आप 4 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आप बहुत कम किताबें पढ़ो, है ना, और उन्हीं किताबों को बार 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 पढ़ो। बस यही ट्रिक बताऊंगी मैं, आप बहुत सारे लोगों से मत पूछो क्या पढ़ना है, आप बहुत सारी किताबें मत खरीदो कि ये पढ़ लो, कुछ मत। आपने अगर 10 किताबें खरीदी है फर्स्ट ग्रेड के लिए, सिर्फ उन 10 पे विश्वास करो कि ये मेरी बेस्ट है और मैं इन्हीं से पढ़ूंगी, है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोचिंगों के नाम लेके बच्चे पूछते हैं मुझे कि इस कोचिंग नोट से पास हो जाऊंगा क्या, अरे हर कोचिंग नोट्स बढ़िया ही होते हैं, लेकिन आप विश्वास करो और उन्हें बार बार पढ़ो। तो मोनिका जी मैं ये मतलब आप बोल रहे थे कितना पढ़ो कैसे पढ़ो, कम चीज़ें पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार की जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती तब तक आपका 6-7 बार रिविजन हो जाना चाहिए, है ना। आगे फिर इन्होंने मैसेज किया है, दीदी प्लीज़ मुझे बताओ, रात को मुझे नींद भी नहीं आती, बस रोना आता है, किससे कहूँ, मुझे भी मैडम बनना है। एक चीज़ और, किसी से मत कहो आपके जो सपने हैं ना, किसी से मत कहो। आप इस बार फेल हो गए, 5 बार फेल हो गए रीट में, किसी से मत बोलो, इस बार साइलेंटली लग जाओ, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, बस आपके पति को या फिर मम्मी पापा को पता है कि आप पढ़ रहे हो। आपको जितना टाइम मिलता है ना उसको मतलब यूटिलाइज करो, आप रोटियां भी बना रहे हो तो आप वीडियो चला के रखो, आप नहाने भी जा रहे हो तो बाथरूम में भी वीडियो चलता रहना चाहिए। इतना ज़्यादा डेडिकेट कर दो खुद को कि मैं 1 मिनट भी, अगर आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हो, आपके 6-7 साल के अगर बच्चे हैं तो उनकी किताब भी इतना ध्यान से पढ़ो, क्योंकि रीट का बस तो छोटी छोटी स्पेलिंग हिंदी इंग्लिश में हमारी छोटी छोटी संधि व्याकरण ये सब हमें सपोर्ट देती है। पढ़ाई चाहे इतने से बच्चे की हो चाहे इतने बड़े बच्चे की हो, कभी फेस नहीं जाती, उस चीज़ को भी आप डेडिकेशन से करो, है ना, कि बच्चों को जब पढ़ा रहे हो तो भी बहुत ध्यान से पढ़ाओ, है ना। तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि छोटे छोटे जो आपके टाइम हैं उनको यूटिलाइज कर लो, कि भाई तो दुनिया को नहीं बताना, रिश्तेदारों को नहीं बताना, दोस्तों को नहीं बताना, उनकी नज़र में गायब हो जाओ, शादियाँ वादियाँ फ़ोन रिश्तेदारी सब छोड़ दो, कि उड़ मां देते हैं आपको, सास ससुर बात नहीं करते, या फिर रिश्तेदार कहते हैं बात नहीं करती, अरे भाड़ में जाने दो, नहीं करती मैं बात, है ना। खो जाओ अपने दुनिया में, क्योंकि वो आपको रोटी देने नहीं आएंगे, वो आपको शाबाशी देने नहीं आएंगे, आपको अपना परिवार समझना है। और मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसी लड़की हमारे साथ की जिनको मैं दीदी बोलती हूँ, वो नौकरी लगी है और उनके कम से कम 12 साल की तो बच्ची है, और वो पढ़ाई में बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं थी, बहुत सामान्य बोल सकते हैं बहुत सामान्य थी, और उनका संघर्ष कम से कम भी 8-9 साल चला है और फाइनली उनका रीट में सिलेक्शन हुआ है। तो जब वो लग सकते हैं तो हम भी लग सकते हैं, आप भी लग सकते हो। दीदी जिंदगी में इन किताबों से बाहर निकल कर देखा तो पाया कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, सब नफरत करते हैं मुझसे, औरत की जिंदगी में शादी के बाद कितने टेंशन है, मुझे इस जीवन में कुछ बनना है दोस्त, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्या सबको बुला के वापस किताबों से ही मोहब्बत करूं, और क्या भूल जाऊं कि मेरी शादी हो चुकी है, क्या सभी से जबरदस्ती पढ़ने चली जाऊं, या फिर बस गोबर डालती रहूं जिससे कि सब खुश रहें। मुझे पता है एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ सपने थे और वो सपने शादी की वजह से पूरे नहीं हो पाए, और अब आपको बहुत ही इरिटेशन होती है। देखो मैं नहीं कहूँगी कि छोड़ छाड़ के चले जाओ, और मैं नहीं कहूँगी कि हमारी अगर सिर्फ हमें इकोनॉमिक या नौकरी वाली सफलता मिल जाती है और रिश्ते कुछ पीछे छूट जाते हैं तो उसमें हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, नहीं होगी यार। ये जो घर वाले थोड़े बहुत तारे दे देते हैं, घर वाले बोल देते हैं क्या करेगी पढ़ के, कौन सी कलेक्टर बन जाएगी, 20,000 रुपये तो हमें दे देंगे। देखो देता तो कोई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एक स्वाभिमान लौटता है आप में जब आप नौकरी लगते हो, लेकिन
रिश्ते भी उतने ही ज़रूरी हैं, पति का साथ हो चाहे सास ससुर का साथ हो, चाहे माँ बाप का साथ हो, चाहे भाई बहन का साथ हो। कुछ कड़वी बातें गुस्से में या फिर ऐसे ऐसे टाइप पे निकल जाती हैं, लेकिन मैं यूँ कहूँगी कि यार नहीं, भागना नहीं है अपने रिश्तों से, क्योंकि अगर इस इन सब के बाद में आप नौकरी लग भी गए ना तो भी ज़िंदगी में खुशी नहीं होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं यार लड़की की ज़िंदगी जो है इर्द गिर्द घूमती है अपने परिवार के, तो इन सबको भी साथ लेके चलना है। पति को सिर्फ समझाओगी यार देखो ठीक है, आप मुझे पैसे मत दो, आप मुझे कुछ मत करो, लेकिन सिर्फ मुझे मेंटली सपोर्ट कर दो, है ना, कि सिर्फ इतना तो मोटिवेट कर दिया करो कि हाँ यार तू पढ़ सकती है, तू बन सकती है, इतना कर लो। सास को बोल दो कि मम्मी मैं टाइमली काम कर दूंगी, सब कर दूंगी, है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट उठूंगी, कि मतलब मैं सुबह 7 बजे से काम करने लगूंगी या 8 बजे से काम करने लगूंगी, उससे पहले मुझे 2 घंटे पढ़ लेने दो प्लीज़, है ना। इस तरह से आप धीरे 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 समझाओ। जब आप सीरियसली पढ़ते लगोगे, जब वो लोग आपको देखने लगेंगे, तो धीरे धीरे उनके मन में आपके प्रति एक मतलब अच्छी भावना आने लगेगी। देखो किसी के भी अच्छे नहीं होते, मतलब अच्छे नहीं होते मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि दूसरों को देख के आप यूँ समझो कि इनके तो घर वाले यार, इनके तो सास ससुर या फिर घर वाले या इन लॉज या फिर मम्मी पापा स्वर्ग से उतर के आ गए, कितने ही अच्छे मिले हैं। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, हम सबको मैनेज करना पड़ता है, हम सबको सारे रिश्तों में कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और कुछ सपने हमें थोड़े से साइड में रख के चलने पड़ते हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। मैं फिर कहूँगी कि देखो गोबर नहीं उठाना ज़िंदगी भर, सपने हैं तो सपने अचीव करने हैं, लेकिन मैं कभी किसी भी लड़की को या मेरे को खुद को भी यार देखो एक हद पार हो जाए तब तो हमें वो स्टेप उठाना पड़ता है, लेकिन मैं ये सलाह नहीं दूंगी कि यार सब छोड़ के चले जाओ। ज़िंदगी हमारी परिवार से भी है और ज़िंदगी हमारे खुद के स्वाभिमान से भी है, है ना। तो खुद का स्वाभिमान लौटेगा आपका जब आप एक मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ने भी लगोगे ना, तभी भी आपको रात को सोते वक्त फील होएगा कि हाँ यार मैं ज़िंदगी में अच्छा कर रही हूँ, है ना। सीरियसली बस पढ़ो, लोगों को भूलो, तानों को भूलो, उन तानों को अपनी स्ट्रोंगनेस बनाओ कि अच्छा उस पर्सन ने मुझे ये बोला है ना, एक ना एक दिन मेरी मेहनत तो उसको जवाब देगी, इस तरह से समझने लगो, है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब सपने पूरे होंगे यार। बस मैं लास्ट में मैंने आपको जैसे मैसेज में भी लिखा कि ठोकरें जितनी बड़ी है ना सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी, है ना, और ये ठोकरें हमें आगे की ज़िंदगी में ना कि उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगी, है ना। तो डरो मत, घबराओ मत और रुको भी मत यार, है ना। बस जितना आपको टाइम मिलता है, 4 घंटे मिल रहा है, 3 घंटे मिल रहा है, 3 घंटे रेगुलर पढ़ लो, कम चीज़ें पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। जब वैकेंसी आ जाए तब आप हस्बैंड से या पति से या सास से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मम्मी मुझे पढ़ना है, और भी नहीं तो मायके ही भेज दो, है ना, या वही कहीं और नहीं भेज सकते तो मायके भेज दो, मुझे 3 महीने के लिए मेरी एग्ज़ाम है, इस तरह से आप रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा पढ़ सकते हो। और भी बहुत कुछ लिख रखा है इन्होंने, अलग लिखा है मैडम मुझे भी पढ़ना है, दीदी आप सभी भाई बहन लग गए, भाई बहन आसानी से नहीं लगे यार। मेरा भाई बहुत छोटा घर से बाहर निकल गया क्योंकि उसने देखा कि बहनें 3-3 4-4 साल से मेहनत कर रही हैं और उनका कुछ नहीं हुआ, है ना, वो बार बार फेल हो रही है, वो चुपचाप बहुत छोटा सा तब निकल गया था, है ना, और उसने भी बहुत मतलब हमारे पापा के पास पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, है ना, तो वो बहुत स्कार्सिटी में ज़िंदगी जीता था, एक चीज़ वेस्ट नहीं करता था, या तो खेलता था या फिर पढ़ता था, तब जाके उसे नौकरी मिली। और आज भी अगर हम देखें नौकरी मिलने के बाद आसान है, मेरा भाई CISF में सब इंस्पेक्टर है और उसकी पोस्टिंग बहुत दूर होती है, अभी भी उसकी पोस्टिंग जो है एक कोयला फैक्ट्री में है, वो जब भी घर आता और वापस जाता है तो हमेशा रोता है कि मम्मी मैं नहीं जा रहा अभी, वो कहता है कि मैं RS बन जाऊँगा यार, मैं छोड़ देता हूँ ये नौकरी, लेकिन सबको पता है बहुत मुश्किल से मिलती है, छोड़ता नहीं, कोई भी नहीं छोड़ता, है ना। तो नौकरी कभी आसान भी नहीं होती और आसानी से नहीं मिलती यार, आप भी बन जाओगे, सब बन जाओगे, ठीक है। और फिर लिख रहे हैं कि दीदी मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ, रो रही हूँ, मुझे बनना है मैडम, रात के 2 बज गए, नींद नहीं आ रही। तो शायद आप रो रहे थे मोनिका जी, इसलिए शायद मुझे भी रात को नींद नहीं आ रही थी, कोई ना कोई अपने कनेक्शन था और पता नहीं, और मुझे तो ये भी नहीं पता था मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, जबकि कल आज 26 जनवरी थी और मुझे बहुत जल्दी उठना था, पर कल मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बहुत घबराहट हो रही थी और बहुत बेचैनी हो रही थी। तो पता है कई बार दिन ऐसे आते हैं ज़िंदगी में जिसमें हमें नहीं आती है नींद, तो मैं कहूँगी कि रो लो यार,
है ना, आंसू बहाने से बहुत हल्का फील होता है जब हम आंसू बहा के आंसू बहाते बहाते सो जाते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो एक हल्कापन फील होता है। रो लो बट हिम्मत मत हारो, टूटो मत बस, है ना, जिंदगी में लगे रहो। दीदी मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है, मैं रो रो के पागल हो जाऊंगी, ये सब कमेंट्स इन्होंने अलग अलग वीडियोस पे लिखे हैं। आई प्राउड ऑफ यू दोस्त, टूटी तक तस्वीरें तो क्या कर हर मैदान फतेह बंदिया, बहुत सारी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना मेरे दोस्त, मतलब बहुत सारी लाइनें इन्होंने लिखी हैं। तो अगर मोनिका जी जिंदगी में परेशानियां हैं तो जिंदगी में उन तकलीफों का मतलब जितना घना अंधेरा है सोचो सूरज बस निकलने ही वाला है, बस यार कुछ करो मत, जिंदगी ख़त्म हो गई फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर जिंदगी है तो सब कुछ है, आशा की किरण भी है, कभी कभी आखिरी ताले से भी आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है, तो हो सकता है आपकी किस्मत में भी वही हो। और मैंने मेहनत करने वालों को कभी हारते नहीं देखा, चाहे आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, चाहे आप पढ़ाई में टफर हो, लेकिन आप लगे हुए हो तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मोनिका आपके लिए ये वीडियो बनाया था, प्लीज़ मोनिका और मोनिका जैसी बहुत सारी लड़कियाँ, मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ, ज़िंदगी में डिप्रेशन के बहुत सारे दिन आते हैं, तो मैं कहूँगी रो लो यार, और किसी के सामने मत रो, अकेले में जाके रो, क्योंकि लोगों के सामने रोने से ना आंसुओं की कीमत ख़त्म हो जाती है। तो मत रोना किसी के सामने भी, अकेले में रो, खुद को समझाओ, हल्का करो और फिर डट जाओ, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है तो लड़ना भी हमें ही पड़ेगा। बाय।